स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ सवाल दिया हुआ है दैट टू बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2। देखो एक E1 यहाँ पे है और E2 यहाँ पे, ठीक है। इनका वैल्यू अगर देखें तो E2 ज़्यादा है, E1 कम है, और एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है R1 R2, और हमसे पूछ रहा है कि ये पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही होगा। लास्ट स्टेटमेंट भी तुम एक बार पढ़ लो, फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं। चलो देखो ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि EMF E इज़ स्मॉलर देन E1। E इज़, हाँ मतलब जो इक्विवेलेंट निकालेंगे क्या वो आपका E नाम है उसका, तो क्या वो इक्विवेलेंट EMF जो निकलेगा यहाँ पे तो ये छोटा होगा E1 से। दूसरा बोल रहा है कि E1 + E2 के बराबर होगा। तीसरा बोल रहा है कि E इज़ ग्रेटर देन E2। चौथा बोल रहा है कि इक्विवेलेंट EMF ऑफ टू सेल इज़ बिटवीन E1 एंड E2 ऑलवेज। देखो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ सेल्स हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जब भी अगर इस तरह से पैरेलली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो इस केस में E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। अगर ये हमेशा इस तरह से पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट EMF आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा E1 upon R1 + E2 upon R2 + E3 upon R3 / 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा रहेगा तो आगे जुड़ते जाएगा, चार तीन से ज़्यादा रहेगा आगे जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली दो ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा, ऊपर का E1 by R1 + E2 by R2, और नीचे का 1/R1 + 1/R2। ये आया। अब इसमें हम लोग LCM लेते हैं तो E1 R2 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा E2 R1 / R1 + R2, और नीचे अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा R2 + R1 / R1 R2। सॉरी, तो यहाँ पे ये कट जाएगा R1 R2, तो क्या बचेगा, E = E1 R2 + E2 R1 / R1 R2। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपका यहाँ पर आया है, सिंपल सी बात है कि ये एक वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, या एवरेज जब निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो EMF है वो आपका एक रेंज में लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो छोटा कौन था, छोटा कौन था हमारा E1 इज़ छोटा, सो E1 से लेकर के E2 तक ये लाई कर सकता है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए, ये आपका वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है, या सिंपली एवरेज का फॉर्मूला होता है। और एवरेज जैसे आप कभी भी 40 का और 60 का एवरेज निकालोगे तो ये 40 और 60 का एवरेज आपको क्या 40 से कम होगा, नहीं, 60 से ज़्यादा होगा, नहीं, हमेशा 40 से 60 के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पर भी वही दिखेगा दैट कि EMF का वैल्यू E1 से E2 तक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि E1 इज़ लेस देन E2, इसीलिए अगर बोलता है E2 इज़ लेस देन E1 तो उल्टा करते। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, द इक्विवेलेंट EMF इज़ ग्रेटर देन, सॉरी वो एक मिनट, क्वेश्चन में कौन सा था, अच्छा E2 इज़ ग्रेटर देन E1, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बोल रहा था E2 इज़ ग्रेटर देन E1, तो इसीलिए यहाँ पर इसके बीच में लाई करेगा E1 से E2 तक। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। द इक्विवेलेंट EMF E ऑफ द टू सेल इज़ बिटवीन E1 एंड E2 ऑलवेज, कोई भी वैल्यू रहे कोई मतलब नहीं। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।